ओम शांति दीदी। अब हम क्वेश्चंस लेंगे, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी, जब हम सबके बीच में रहते हैं तो बीच में रहते हुए हमारी स्थिति उपराम कैसे रहे? तो थोड़ा आप जरा कोई एग्जाम्पल देके अगर एक्सप्लेन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक ही पर्पस से हम आत्माएं हर सीन में एंटर करती हैं, वो है बाबा और मैं कंबाइंड। और ये अटेंशन देना कि मैं आत्मा बाबा की नज़र से देखना है सामने वाली आत्मा को भी, आत्मा या आत्माएं जो भी जिसके पार्ट चल रहे हैं, है ना। और अपनी चेकिंग के लिए सीन में एंटर होना है ताकि मेरे माइंड के जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं और प्री कंसीव्ड स्टोरीज हैं किसी और आत्मा के पार्ट के प्रति भी, या उनको नहीं भी जानते हैं तो उनको देखकर माइंड कुछ ना कुछ सोचना तो शुरू कर ही देता है, जजमेंट। तो मैं आत्मा बस इस अटेंशन से हर सीन में एंटर हूँ कि मैं अपने आप को भी बाबा की दृष्टि से एक लिविंग लाइट के रूप में बॉडी यूज कर रही हूँ, और सामने वाली आत्माएं भी टाइनी टाइनी सीड्स हैं जिनके हर एक के अंदर अपनी अपनी एक पार्ट की रिकॉर्डिंग है जो अभी इस मोमेंट में इस रूप में मैनिफेस्ट हो रही है। अगर मेरा माइंड कुछ और कमेंट्री करता भी है, जजमेंटल या प्रेज या डिसलाइक या लाइक, कंटेंटमेंट डिसकंटेंटमेंट कुछ भी, तो मैं आत्मा परमात्मा के साथ उन फीलिंग्स में ट्रैप नहीं होती हूँ, है ना। और इससे क्या होता है, मैं अपनी क्लीन स्पेस से बाबा के साथ इंटरेक्शन में आ सकती हूँ। सबके बीच में रहते हुए एक ही पर्पस है, हर सीन में एंटर करते हुए एक ही पर्पस है आत्मा का कि सर्व आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा बाबा, अपने पिता, अपनी सुप्रीम मदर से वाइब्रेशंस रिसीव कर सकें। यही एक तरीका है, बाबा के बच्चे ही बाबा के लिए एक उम्मीद है, एक होप है कि हर आत्मा अपने फादर को, अपने सुप्रीम मदर को पहचान सके। अगर शब्दों से नहीं तो वाइब्रेशन से तो कोई नहीं रोक सकता। तो उसके लिए मुझे अपने मन और बुद्धि के, पुराने मन और पुरानी बुद्धि के कंडीशन्ड हैबिट्स में नहीं फंसना है, तो साक्षी होकर रहना है, अटेंशन सिर्फ अपने ऊपर, पूरा अपने ट्रुथ में स्थित होकर फ्लीटिंग इमोशंस जो और टेम्पररी फीलिंग्स है उनसे साक्षी रहकर, तो मैं क्या है, मैं मिक्स नहीं होंगी उन फीलिंग्स से, तो मेरा ट्रुथ जो है बाबा के साथ, बाबा की फीलिंग्स मेरे एटीट्यूड, स्मृति, वृत्ति, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन सब में मैनिफेस्ट होगा। आपने अच्छे से समझाया, बट एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अब आप जैसे इंडिया आए थे तो आप अपने रिलेटिव्स के बीच में थे, राइट? आपके जो भी फैमिली होंगे, तो आप उनके साथ, उनके बीच में रह के आप मतलब कैसे उनके साथ रहते थे और बाबा से भी कनेक्टेड होते थे? थोड़ा इसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे आप, तो सबको हेल्प हो जाएगी। तो जैसे अभी आप सबके बीच में आप आत्मा शरीर को लेकर बैठी हो, नो प्रॉब्लम, और हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट चल रहा है, राइट। अंदर ही अंदर मैं आत्मा उन आत्माओं को बाबा के साथ परम धाम में देखती, राइट। तो बात करने से पहले भी, पहले उस आत्मा को बाबा के सामने, तो क्या होता था, 100% एक्सेप्टेंस उनके पार्ट का भी, उनके एक्ट का भी, जो डायलॉग्स बोल रहे हैं वो भी, क्योंकि मैं आत्मा अगर उनको परम धाम की साइलेंट स्थिति में देख रही हूँ, और देख रही हूँ यहाँ पे उनकी वो जो बॉडी माइंड का जो एक्सप्रेशन चल रहा है, उससे उस ट्रुथ आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा के ट्रुथ से उनकी स्क्रिप्ट का, उनके पार्ट का कोई लेना देना नहीं है, बस मेरी फीलिंग, बाबा कैसे फील कर रहा है उस आत्मा को, उस पे ज्यादा फोकस।
सामने वाला क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, क्या सुनना है, क्या जवाब देना है, उस पे एक्चुअल में आत्मा का जीरो अटेंशन, उसका कोई टेंशन ही नहीं, सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन कि मेरी ट्रू फीलिंग्स उस आत्मा को बाबा की और मेरी ट्रू फीलिंग्स उस आत्मा को मिले। तो दीदी, जैसे अभी आप इनके साथ बैठे होंगे, जो भी आपके मतलब पार्ट में आओ जितने भी मतलब आप कांटेक्ट में पार्ट में आए, आपके रिलेटिव्स, आपकी सिस्टर, आपके मदर, वट एवर, तो क्या उनको फील हुआ कि आप यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं हो? मतलब ऐसी फीलिंग उनको आ एक सकती? है ना परमात्म प्रेम की फीलिंग महसूस होगी आपसे, है ना, क्योंकि आप बिल्कुल भी साधारण तक, आपने किसी भी साधारण संकल्प का चोला नहीं पहना हुआ है, आपके आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाबा के साथ एक लिविंग रिलेशनशिप आप इंजॉय कर रहे हो हर इंटरेक्शन में, है ना। तो बाबा लिविंग है, तो सामने वाली बॉडी, मेरी बॉडी, सब लाइफलेस है। जी अगर बॉडी सब लिविंग दिख रही है तो बाबा लाइफलेस है, उसमें कॉन्सेप्ट है बाबा एक। पर अगर या बाबा लिविंग फील हो रहा है, मैं आत्मा लिविंग फील हो रही, तो चाहे मुझे बॉडीज दिख भी रही हैं, पार्ट्स नहीं होते हुए स्क्रिप्टेड वो चाबी भरी हुई गुड़िया जैसे खुलती जाती ना, वो अपने आप वो खुल भी रही है मेरे सामने, मेरी भी और उनकी भी, पर मुझे आत्मा को अंदर ही अंदर ये पता है लिविंग बींग कौन है, क्योंकि बाबा लिविंग फील हो रहा है तो मुझे अपने आप ही वो आत्माएं लिविंग फील होंगी। ऐसा नहीं कि हमें बॉडी नहीं दिखेगी, पर वो लाइफलेस दिखेगी, है ना। जी, बट ऐसे आपको समझो आपकी सिस्टर हैं या आपके जो भी हैं पार्ट में, आपकी मॉम हैं, तो क्या उन्होंने कभी आपको ऐसे क्वेश्चन किया कि आप सुन रही हो हमको, या आप हो ना हमारे साथ प्रेजेंट? ऐसा कभी क्वेश्चन आया सामने वाले से आपको? ये जरूर आया कि इसका इंटरेस्ट नहीं है अपनी ही दुनिया में, इन चीजों में, इन बातों में उसको इंटरेस्ट कम है। कोई भी अगर थोड़ी इधर उधर की बात भी कर रहे हैं ना, तो मैं सबके साथ बैठी हूँ, ऐसा नहीं कि हम उठ के चले जा रहे हैं कहीं और, हम सबके बीच में बैठे हैं, पर हम उनको बाबा की नजर से अनुभव कर रहे हैं, हम उनकी बातों से उनको जज नहीं कर रहे हैं, और अगर जजमेंट आ भी गया तो उससे साक्षी है ना। तो या तो उनको ये फीलिंग तो आती है ना कि आप यहाँ होते हुए भी आप यहाँ नहीं हो, तो मतलब वो उपरांत स्थिति की फीलिंग आई कि आप होते हुए नहीं भी नहीं हो, मींस हो। उपरांत है हाँ, आप। पर उनको रिस्पेक्ट की फीलिंग होगी और प्यार की फीलिंग भी मिलेगी साथ में, क्योंकि आप उनके, आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सबके साथ बैठे हैं, सबके बीच में बैठे हैं, पार्ट में प्ले करें कि मैं इन ब्रदर सोल्स के साथ इस फिजिकल वर्ल्ड में अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ, कितना मेरा सौभाग्य, राइट। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे ब्रदर सोल्स के साथ इस फिजिकल थिएटर में अपना पार्ट प्ले करने को मिल रहा है, और हर एक को अपनी अपनी फिक्स स्क्रिप्ट लेके आया हुआ है, तो मुझे उनकी स्क्रिप्ट से क्या लेना देना, मुझे तो बाबा जो देख रहा है उनको वैसे देखना, और जो बाबा फील कर रहा है तो ये बाबा के अंदर जैसे समा के बैठ जाए, बैठ जाती है, और फिर जो उनको बाबा को देना, बस मैं प्यार फील कर रही हूँ, फिर जो बाबा को देना है वो देगा। तो कोई अगर भाभी है, कोई सिस्टर है, कोई ब्रदर है, कोई मदर पार्ट है, जो भी पार्ट्स चल रहे, फादर है, सर्वेंट है, जो भी पार्ट्स चल रहे, हेल्पर है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्या मेरा प्यार इक्वली सबकी तरफ, मैं जो महसूस कर रही हूँ बस वो मेरा इक्वल प्यार होना चाहिए सबके प्रति, ये फीलिंग है ना। तो जब ये फीलिंग बहुत बहुत स्ट्रांग होगी ना, तो उससे क्या होगा कि उन आत्माओं को एक स्पिरिचुअल प्यार महसूस होगा आपसे, रूहानी प्रेम, राइट। और इसलिए मैं आत्मा परमात्मा के साथ एकदम कंबाइन, मतलब ही यही है कि जो रूहानी प्यार वो महसूस कर रहा है, तो ना कोई भाभी दिखती है सामने, ना कोई भैया दिखता है, ना कोई आंटी दिखती है, ना कोई मदर दिखता है, ना कोई क्या कहते हैं सिस्टर दिखता है, ना कोई फादर, सब आत्माएं, और मेरे अंदर सभी के प्रति इक्वल प्यार, और हर एक का यूनिक पार्ट के प्रति एक रिस्पेक्ट महसूस होता है। हाँ जी,
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि मैं कोई कॉन्शियसली देख रही हूँ, मैं रोल नहीं देखूँ, मैं सोल को देखूँ, नहीं। बस मैं अपने ट्रुथ में बाबा के साथ रूहानी प्रेम में जो बाबा फील कर रहा है उस पे अटेंशन है आत्मा का। और हर एक का अपना पार्ट जैसे खुल रहा है, स्क्रिप्ट जैसे खुल रही है, जो कुछ बोल रहा है कह रहा है, मुझे उनकी वो लैंग्वेज स्क्रिप्ट की समझ ही नहीं आती है ना। तो मुझे तो सिर्फ आत्मा की साइलेंस की लैंग्वेज समझ आती है जो बाबा को आती है। तो बस उस स्मृति में रहते हैं हम सबके बीच में रहते हुए। हाँ, बहुत कम बोलना होता है, जितना जरूरी होता है उतना ही बोला जाता है। वो अपने आप ही राइट वर्ड्स राइट एक्शंस अपने आप होते हैं अगर आप उस स्मृति में हैं तो। ज्यादा सोचना नहीं होता है, ये सोच के रूहानी प्यार नहीं किया जा सकता। ये प्यार जी कुछ से परे का प्यार।